वेलकम टू माय चैनल एपी द ट्रैवल व्लॉगर। अभी हम आए हैं श्री हनुमान जी महाराज मंदिर भूमापुरा। क्योंकि मंदिर स्वयंभू है, हनुमान जी महाराज की मूर्तियाँ हैं। अभी यही हम लोग जाएंगे नीचे भूमापुरा मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे। अभी जाएंगे हनुमान जी मंदिर। ये पे लाइन बनाई हुई है, गर्मी बहुत ज़ोरदार है। कभी आप समर में आओ अहमदाबाद में, अहमदाबाद से आगे हैं, मैं अहमदाबाद रोड पे हैं, आमरसर गांव पे हैं भूमापुरा मंदिर। अगर समर में आ रहे हो तो प्लीज़ आप पानी की बोतल, कैप और गॉगल्स लेके आइएगा, तो आप समर में मतलब गर्मी में आप ये सब सहन कर सको। अभी हम लोग जाएंगे, अभी हम लोग जाएंगे भूमापुरा मंदिर श्री हनुमान जी महाराज की, जो हनुमान जी महाराज स्वयंभू प्रकट हुए हैं। ये है हनुमान जी मंदिर भूमापुरा। भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करने वाले हनुमान दादा, आप पूरा देख सकते हैं। अभी जाएंगे आसपास में प्रसाद की दुकान है, तो अगर आप यहाँ पे आए हैं तो श्रीफल लेके नहीं आए हैं या कोई प्रसाद का सामान लेके नहीं आए हैं तो उसकी चिंता मत कीजिएगा, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। ये थे भूमापुरा हनुमान जी मंदिर। आप मेरी चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशंस मिलती रहे।
एपी द ट्रैवल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। મારું નામ ચૌહાણ જયસિંહ ભગત, અત્યારે હાલ દાદા તરીકે ઓળખાઉં છું। આ મંદિર 1991 પ્રતિષ્ઠા કરી માર્ચ મહિનાની 30 તારીખે। બરાબર। આ મંદિરનું નિર્માણ એવું છે કે ભક્તોની શ્રદ્ધા મનોકામનાઓ બધી પૂરી થતી જાય છે, એમ પ્રજાઓ આવતી જાય છે અને સાથ સહકાર મળતો જાય છે। અહીંયા શનિવાર રવિવાર મંગળવાર ગુરુવાર પ્રજાને આત્મવિશ્વાસને શ્રદ્ધાપૂર્વક અહીંયા આવી નમન કરે છે, નમન કરે એમનું બધાનું કામ પૂરું થાય છે। અહીંયા એક સફેદ ધાગો બાંધવામાં આવે છે, સૂતરનો, એટલે કે સારા માર્ગે તર। સૂતરનો સફેદ ધાગાનો અર્થ એ છે કે તું સારા માર્ગે તર। વ્યસનો, તાવ, કોઈ પણ ખરાબ વસ્તુઓ, મેલી વસ્તુઓ બધાનો નિકાલ થઈ જાય છે અને લોકોના આત્મશ્રદ્ધાથી લોકો અહીંયા આવતા રહે છે। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एपी द ट्रैवल ब्लॉगर, ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।